क्लास 8 लास्ट वीक हम लोग वैल्यू का चैप्टर 5 वी आर लुकिंग फॉर समथिंग ग्रीन इसको आधा एक्सप्लेन किए थे. आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. क्या बोल रहा है? शीखा द एटमॉस्फेयर सराउंड्स आर अर्थ क्लोजली लाइक अ लेयर ऑफ स्किन. सम गैसेस इन द एटमॉस्फेयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप द सन्स लाइट टू कीप द अर्थ वार्म सेड मदर. तो शिखा के मम्मी ने शिखा को समझाया कि एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के एक स्किन की तरह काम करते हैं. इसी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन जैसा कुछ गैसेस है जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और जिसके वजह से हमारा अर्थ वार्म रहते हैं. ओवर द लास्ट सेंचुरी मोर ग्रीन हाउस गैसेस हैव बीन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एन एवरेज इंक्रीज ऑफ द इन द अर्थ टेम्परेचर कंसिक्वेंटली कॉजिंग चेंजेस इन क्लाइमेट. दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग एंड मदर. उनके माँ ने और भी उसको बताया कि लास्ट सेंचुरी से मतलब लास्ट 100 ईयर्स से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस एटमोसफियर में रिलीज हुए हैं जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होता गया है और कंसिक्वेंटली उसके लिए क्लाइमेट भी चेंज होता गया है. इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है. सो वाई इज़ द वर्ल्ड वॉरिड अबाउट इट वॉन्टेड नवीन. नवीन ने बहुत मतलब वंडरिंगली उन्होंने पूछा कि ऐसा मतलब इसमें इतना वॉरिड होने का क्या ज़रूरत है. मदर एक्सप्लेन बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग हैज़ मेल्टेड द पोलर आइस कैप्स एंड मेनी एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर होम्स. द रिवर्स आर ड्राइंग अप. द वेदर इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल. सम प्लेसेस एक्सपीरियंस ड्रॉट एंड सम प्लेसेस एक्सपीरियंस हैवी डाउनपोर ऑफ एंड फ्लड्स. तो उसके मदर ने एक्सप्लेन किया कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पोलर आइस जो है वो धीरे धीरे गलने लग गया है. इसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स अपना घर भूल मतलब उन लोगों का घर चला गया है. रिवर्स जो है वो धीरे धीरे सूख जा रहे हैं. वेदर एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल हो गया. अनप्रेडिक्टेबल मतलब पहले से जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से जिसको हम नहीं समझ सकते हैं. तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ जगह है जहाँ पर ड्रॉट्स हो रहे हैं, कुछ जगह है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं. इज़ देर समथिंग वी कैन डू देन आस्क्ड शिखा. तो शिखा ने पूछा कि क्या कुछ है मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ईच इंडिविजुअल कैन ब्रिंग अ चेंज बाय अडॉप्टिंग मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल स्टार्टिंग फ्रॉम लिटिल एवरीडे थिंग्स. यूजलेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेनेवर यू कैन. स्विच ऑफ लाइट्स when you are not using them. Work as much as possible. Take shared public transport when you can. Most important of all is plant more and more trees. Trees absorb carbon dioxide, keeping the air clean, said mother. तो उनके मम्मी ने बोला हाँ ऑफ कोर्स हम लोग कुछ कर सकते हैं. हर एक छोटे छोटे चीज़ से, हर एक डेली जो भी हम लोग काम करते हैं उसके छोटे छोटे चीज़ से ही हम लोग इस चीज़ को मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करो जब तुम नहीं हो, जब तुम्हें उसका ज़रूरत नहीं है उसको मत यूज़ करो. जितना हो सके चलो, अगर पॉसिबल है तो शेयर्ड मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेयर करो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री को प्लांट करो, क्योंकि ट्री क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्सॉर्ब कर लेता है जिसके वजह से एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है. As they continued walking, Shikha heard a plane pass overhead. She looked up to watch the plane when she noticed something that looked like a tree on top of the building beside her. तो वो लोग जैसे ही चल रहे थे तो शिखा ने एक प्लेन को जाते हुए उसका आवाज़ सुना. तो जैसे ही शिखा ऊपर की तरफ देखा प्लेन को देखने के लिए तो उसने नोटिस किया कि एक बिल्डिंग के रूफ टॉप में कुछ ग्रीन मतलब ट्री जैसा कुछ दिखाई दिया उसको. That looks like a tree on the roof, she exclaimed. Navin and mother looked up. They walked a bit further down the street to get a better view of the green building. तो शिखा ने एक्सक्लेम किया देखो वहाँ पे रूफ पे एक ट्री है. नवीन और उसके माँ भी देखना चाहते थे, वो लोग भी ऊपर की तरफ देखे तो वो लोग थोड़ा सा स्ट्रीट में आगे बढ़ के देखा ताकि उन लोगों को एक बेटर व्यू मिले. You are right, Shikha, said Navin. I think there is actually a whole garden up there. I can see potted plants with some flowers creeping up. And there are some more pots along the far side of the roof. तो Navin ने बोला तुम सही बोल रहे हो शिखा. I think वहाँ पर कोई garden है.
और मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स हैं जहाँ पे जिससे फ्लावर्स निकला हुआ है, और वहाँ पे और भी बहुत सारे पॉट्स है फार साइड ऑफ द रूफ, मतलब रूफ के थोड़ा सा दूर में ही वो और भी ज़्यादा पॉट्स रखा हुआ है। इट लुक्स लाइक दे हैव अ रूफ टॉप गार्डन, सेड मदर। पीपल हु लिव इन सिटीज समटाइम्स यूज द स्पेस ऑन द टॉप ऑफ देयर बिल्डिंग्स फॉर गार्डनिंग। तो उन लोगों की माँ ने बोला कि हाँ, ये तो गार्डन की तरह ही लग रहा है। कि क्या होता है कि कभी कभी शहर के लोग जब भी उन लोगों को कहीं पे स्पेस मिलता है, रूफ में थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो वो लोग गार्डनिंग करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड स्टार्ट अ गार्डन ऑन द रूफ ऑफ आवर बिल्डिंग एंड टेक स्मॉल स्टेप्स टू कर्व ग्लोबल वार्मिंग, मदर सेड शिखा। तो शिखा ने बोला कि आई थिंक हम सभी लोगों को ऐसा गार्डन हम लोगों के रूफ टॉप में बनाना चाहिए, तो ये भी एक स्मॉल स्टेप होगा ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा कम करने की तरफ। मदर स्माइल, येस वी डेफिनेटली कैन, यू जस्ट हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द प्लानट। तो उसके माँ ने हंस के बोला कि हाँ श्योर, एकदम हम लोग कर ही सकते हैं, हम लोगों को बस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा हम लोगों के प्लानट की तरफ। सुन शिखा, नवीन एंड मदर टुक अप एन इनिशिएटिव रूफ टॉप्स टू हेल्प सेट अप रूफ टॉप गार्डन इन डिफरेंट होम्स। इट वॉज देयर स्टेप टूवर्ड्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या हुआ कि शिखा, नवीन एंड उन लोगों के माँ तीनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि वो लोग रूफ टॉप में गार्डनिंग करेंगे, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसके वजह से प्लानट को थोड़ा सा राहत मिल सकता है। सो क्लास एट, मैंने तुम लोगों को ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज़ एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को पूरी तरीके से लर्न करो। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग बाद में कर लेंगे। थैंक यू क्लास।